जय श्री कृष्ण। ज्ञान सागर बाई बिजल पुरोहित में आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। जैसे हम कहते हैं 33 कोटि देवी देवता है, यानी 33 करोड़ देवी देवता है, किंतु यह संभव नहीं है कि प्रतिदिन हम इन 33 कोटि देवी देवताओं का स्मरण कर सके, और इसीलिए आज मैं आपको बताऊंगी देवता नमस्कार। मैं जो आपको इस देवता नमस्कार में जो नाम बताऊंगी, वही नाम 33 कोटि देवताओं के समान है, और यह नाम छोटी से छोटी पूजा से लेके बड़ी पूजा तक, या फिर छोटे से छोटे यज्ञ से लेकर बड़े यज्ञ तक, इन्हीं नामों का स्मरण किया जाता है। तो प्रतिदिन आप कोई भी पूजा पाठ न कर सके, फिर भी अगर सिर्फ इन नामों का स्मरण करेंगे तो 33 कोटि देवताओं का स्मरण करने जितना फल प्राप्त होगा। तो सुनिए अब देवता नमस्कार। तो सर्वप्रथम हम सभी जानते हैं कि गणपति ही सर्वप्रथम है, तो प्रथम नाम है ओम श्री महागणपतये नमः। दूसरा स्मरण करना है अपने गुरु का, ओम गुरुभ्यो नमः। उसके पश्चात है उनके गुरु के गुरु, ओम परम गुरुभ्यो नमः। फिर है उनके भी गुरु, ओम परमेष्ठि गुरुभ्यो नमः। पश्चात उनके भी गुरु, ओम परात्पर गुरुभ्यो नमः। तो अगला नाम है इष्ट देवता का, यानी कि हम जो भी देवी और देवता में श्रद्धा रखते हैं या जिनकी उपासना करते हैं, वो ही हमारे इष्ट देवता है। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। फिर है कुल देवता, जो हमारे कुल की रक्षा करते हैं, जिन्हें हम कुल देवी और कुल देवता भी कहते हैं, ओम कुल देवताभ्यो नमः। उसके बाद है स्थान देवता, यानी कि हमारे घर के स्थान में जो देवी देवता है, ओम स्थान देवताभ्यो नमः। पश्चात है ग्राम्य देवता, यानी कि जो हमारे गांव के देवता है, ओम ग्राम्य देवताभ्यो नमः। पश्चात है ब्रह्मा और ब्रह्माणी, ओम वाणी हिरण्य गर्भाभ्याम नमः। उसके बाद जो हमें धन प्रदान करते हैं, वो है लक्ष्मी नारायण, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। उसके बाद है पूरे जगत के माता पिता, यानी कि शिव और पार्वती, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। पश्चात हमारे लिए जो हमारे देवी देवता है, यानी हमारे माता पिता, ओम मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। हमारी सनातन संस्कृति में सभी देवी देवताओं का सम्मान किया जाता है, इसीलिए हम सभी देवताओं को नमन करते हैं। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। और अंत में पृथ्वी पर के साक्षात भगवान है, ऐसे ब्राह्मण देवताओं को हम नमस्कार करते हैं, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। और अंत में सभी तीर्थों को नमन करते हैं, ओम सर्वतीर्थेभ्यो नमः। तो प्रतिदिन सुबह इन नामों का स्मरण करने से 33 कोटि देवताओं के स्मरण करने जितना फल प्राप्त होता है। तो यह था हमारा आज का विषय। आपको यह विषय और वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए, और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।
जय श्री कृष्ण।